इधर नोटबंदी के विषय पर मोदी सरकार को घेरने के लिए पोर्ट ब्लेयर के साथ साथ अंडमान निकोबार के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 12 टांग के सदस्यों ने भी जमकर विरोध जताया और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। 12 टांग इलाके के जिला परिषद सदस्य अलगार स्वामी ने नोटबंदी के बाद उनके इलाके में जूझ रहे गरीब परिवारों की परेशानियों के बारे में बताया और अलागर स्वामी ने बताया कि 12 टांग इलाका एक तो द्वीप समूह में काफी पिछड़ा हुआ इलाका है जो हर तरह की समस्याओं से जूझ रहा है और उसे दूर करने की बजाय मोदी सरकार ने उन्हें एक और बड़ी समस्या दे दी है। दर्जनों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। मुद्दा यही है कि जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अचानक 8 बजे मध्यरात्रि को जो घोषणा किए कि 500 और 1000 का करेंसी बंद कर दिए, जान के पूरे हिंदुस्तान हैरान रहा कि आपने जो कोई भी ऐसी सतर्कता अपना ही नहीं और आपने कोई प्लान नहीं था उनके पास, उन्होंने बिना प्लान का ये 500 और 1000 का नोट बंद करने से गरीब तबके के लोग जो पूरे हिंदुस्तान में छोटे छोटे अपने बचत खाते से बचाकर बच्चों की शादी ब्याह जो भी अन्य काम करते थे, अचानक जो ये 500 और 1000 का नोट बंद कर दिया गया। तो 8 तारीख से लेके आपको ये सारे चीज को बंद किया गया, तब से लेके हमारे जो गरीब परिवार अपने जो जवान जवान बच्चों को शादी हो गया, अपने जो बच्चों का जो कॉलेज का उसको या कोई एम्बुलेंस जो भी काम के लिए जा रहे हैं उसको रुकावट हो गया, कई गरीब परिवार दुकान जाए कुर्बानी दे रहे तो कुछ ही कर रहे हैं। तो ये सब जिम्मेदारी हमारे हिसाब से आज हमारे जो सरकार है वो हमको नुकसान के ऊपर नुकसान गरीब लोगों को दे रहे हैं।